వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ సర్వకార్య ఏ దేవ్ కా హై భక్తజనో ప్రణామ్ ఇస్ మందిర్ మే ఉపస్థిత్ సిల్క్ సాడీ వాలి సీతా జైసి దేవియో జరీ సాడీ వాలి మహాన్ దేవియో క్యా ఆప్నే అష్టలక్ష్మీ జైసి సుందర్ దేవీ కో కహీ దేఖా హై మేనే దేఖా హై బడీ భాగ్యశాలీ హై వో లక్ష్మీ పసీనే సే సరాబోర్ హై వో లక్ష్మీ माफ करना लक्ष्मी देवी आप मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है प्लीज माइक के पास आकर अपना झुमका ले जाइए अंधेरा हो गया अब मैं उसे पहचानूंगा कैसे आप मैं वही हूँ जिस लक्ष्मी देवी के लिए अभी आपने अनाउंस किया था मैं बड़ा खुशनसीब हूँ मंदिर में इतने लोग हैं पर झुमका मुझे ही मिला मुझे झुमका देंगे प्लीज 500 रुपए दीजिए और झुमका ले जाइए क्या कहा आपने आपके फायदे के लिए मांग रहा हूँ यूं ही दे दूंगा तो फिर से घुमा देंगे पर कीमत चुकानी पड़ेगी तो आगे से आप इसे संभाल कर रखेंगे ईमानदारी के साथ थोड़ी सी शरारत सेहत के लिए अच्छी होती है जी 500 रुपए आपका झुमका थैंक्स थैंक्स तो आपके माता पिता को कहना चाहिए वो क्यों कुछ सवालों के जवाब इंसान को अपने दिल से ही पूछने चाहिए इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ए, कहा गया था यार मंदिर में एक लड़की देखी रहे अच्छा सुंदर लड़कियाँ आँखों को अच्छी लगती है पर वो लड़की मेरे दिल को भा गई कहीं तो उससे प्यार तो नहीं करने लगा हाँ यार तो उस लड़की की फैमिली वालों का पता लगाते हैं ए, रहने दे क्यों ऑलरेडी मालूम है क्या वो लड़की मेरे लिए बनी होगी तो दोबारा जरूर मिलेगी तब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा मुझे ऐसा लगता था मैं अमेरिका से भारत सिर्फ संगीत सीखने आई हूँ पर अमेरिका में जो सुर हर समय मेरे अंदर गूंजता था शायद वही सुर मुझे यहाँ खींच लाया है वरना यहाँ इतनी दूर बजने वाली धुन वहाँ कैसे सुनाई देती पता नहीं उसकी हर बात मुझे क्यों अच्छी लगी अंधेरे में मैं उसे देख तो नहीं पाई न जाने वो कैसे दिखता होगा अगर मैं सिर्फ उसी के लिए पैदा हुई हूँ तो एक ना एक दिन वो मुझे जरूर मिलेगा अरे लक्ष्मी देवी हाय मैं हूँ देव गवर्नमेंट कॉलेज का है ध्यान मत दो इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं है ये क्या गुस्सा ही नहीं आ रहा इतना बिंदास आदमी हूँ आज नर्वस क्यों हो रहा हूँ ए ऐसी क्यों देख रहे हो सुनो मेरे अंदर एक बुरी आदत है जो दिल में होता है बोल देता हूँ बोलो वो क्या है यार इन लड़कों के पास बहुत पावरफुल डायलॉग्स होते हैं हमें मीठी बातों में फंसा लेते हैं अगर तब भी हम प्यार नहीं करेंगे तो मनाएंगे या फिर डराएंगे आखिर में रो कर गिर गिरा कर हमारे पैरों पे गिर जाएंगे और हमें प्यार करने पर मजबूर कर देंगे मेरा दिल इतना वीक नहीं है जल्दबाजी अच्छी नहीं रहेगी ये क्या है मेरे दिल की बात उसकी जुबान से कैसे निकल रही है एक ही बात दोनों के मुँह से ये कैसे हो सकता है ये कैसी महिमा है कामाक्षी बोलो मथुरा मीनाक्षी बोलो देवियों की देवी महादेवी बोलो ये क्या चमत्कार है बचकम बप्पालम एक चक्रम महाभोगम दादाजी की दाई आँख बाई आँख बड़ी आँख छोटी आँख कौन सा रोग है ये कल जो लड़की मंदिर में देखी थी वो सामने बैठी है लड़की के बारे में इंक्वायरी करता हूँ बच्चा उसकी सारी सच्चाई आके बताऊंगा सिगरेट का पैकेट दान करो बेटा दारू के पैक और मच्छी के टुकड़े चढ़ाऊंगा बताओ ना वो लड़की कौन है चल बता लड़की यहाँ की नहीं है उसका घर यहाँ नहीं है लड़की अमेरिका से आई है वो तेरे जैसे को नहीं मिलेगी बीच में नहीं बोलते बेटा वो अमेरिका में हाई सोसाइटी की है उसके बाप के पास बड़ा सा महल है उसके पास और कोई जायदाद नहीं है लड़की की जगह उसके बाप की जन्म कुंडली बता रहा है लड़की मामूली नहीं है वो संगीत सीखने आई है संगीत से कर्फुर से उड़ जाएगी उसे मैं अपनी बाइक पर बैठा के दिखाऊंगा भा
भानु, बॉर्न इन अमेरिका, मेड फॉर इंडिया। जूली, चाहे कुछ भी हो जाए उसे अपनी बाइक पर बैठना। मार्वेलस, स्प्लेंडेड। एक सुंदर चीज की तारीफ जब एक सुंदर लड़की कर रही हो तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। पोएट्री है क्या? सिली। बनो। ओह माय पार्वती सन, मैंने तुझसे अच्छा सा लड़का मांगा था। तुरंत इस लड़के को भानु के रास्ते से हटाकर होनहार शरीफ और संस्कारी लड़के से इसका रिश्ता करा दो। लेट इट क्लोज अप। ओके। अरे उस लंबे बाल वाले को कहीं देखा यार? उसे परसों साईं बाबा के मंदिर में लड़की को छेड़ रहा था, तुमने वार्निंग दी थी ना, ये वही है। छंगा देख लो उसे। मैं एक बार किसको मारता हूँ दोबारा हाथ नहीं लगाता, जानता है ना तू? तो फिर वो लड़की? एक्सक्यूज मी, भगवान देख रहा है वो खामोश नहीं बैठेगा। उस बेचारी लड़की के घर में निश्चित ही भारत माता जैसी उसकी नानी होगी। अच्छे संस्कारों से पली हुई अपनी लड़की को किसी शैतान के हाथ में नहीं देगी। भगवान उसकी आँख जरूर खोलेगा, उस गधे के हाथ पैर तोड़वाएगा, इस लड़की का जीवन बचाएगा। वो सिर्फ शांति ही नहीं क्रांति भी फैला सकती है, मुझे विश्वास है। मैं सच्चे दिल से कहता हूँ सक्सेस हो गया मामू। उस बॉबी का मामला उसकी नानी देख लेगी। पर मुझे भानु से तुम्हें ही मिलाना होगा चंगा। उसके लिए भी मास्टर ब्लास्टर प्लान है। भानु की पसंद क्या है वो पता लगाकर उसे उठाना होगा। उठाना होगा? दो दिन तक छिपा कर रखना होगा। पर क्यों चंगा? फिर वही, अपनी गैंग में सबसे ज्यादा तुम लोग मुझे ही चाहते हो। अगर बिना बताए मैं सडनली कहीं चला जाऊँ तो तुम लोग क्या करोगे? समझ ले, भानु को उसकी पसंद नहीं मिल रही है इसलिए वो बहुत दुखी होगी। करेक्ट उसी टाइम पर तू उसकी पसंद की चीज उसके हाथ में देता है। खुशी से पागल हो जाएगी, तेरे साथ सेक्स करेगी। ये शेक हैंड तेरे प्यार का फर्स्ट स्टेप होगा। लेकिन भानु को पसंद क्या है? कुत्ते का पिल्ला। क्या हो रहा है? ये कुत्ता बहुत क्यूट है। पसंद आया? हाँ। तो लेकर जाइए। क्या कहा? अपने घर। वो का तो ना। क्या कहा? वो कह रहा कि घर में जगह नहीं है। कोई बात नहीं, बाहर रखो। ये कोई सामान है? डाउट है। मैंने तुम्हें इसे चोरी करते हुए देख लिया। देख लिया? बहुत मेहनत किया। अगर तुम इसे अपने पास रखोगे भी तो ना, ये तुमसे पहले मेरे पास आ जाएगा। कितना नुकसान हुआ? सोचा था वो नहीं हुआ, जो नहीं सोचा था वो हो गया। आप क्या सोचना यार? ओ मैडम, छोटा सा डाउट है। क्या? ये स्पेशल क्वालिटी का डॉग है ना? हाँ। इसके काटने से हमारे छंगा को 14 इंजेक्शन तो नहीं लगवाने पड़ेंगे ना? बिल्कुल नहीं। पर एक इंजेक्शन जहाँ काटा है वहाँ लगेगा। क्यों रे, हमारी कैंटीन में क्यों आए हो? इसीलिए तो जा रहे हैं। कंडीशंस भूल गए हो क्या? हमारे एरिया में आओगे तो क्या करना है मालूम है ना? मर्दान की याद आ रही है क्या? 1-2 बोलना होगा क्या? 1-2-3 सिर उठा रहे। कंडीशन कंडीशन ही है, तुम्हारा दिया हुआ पनिशमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है। क्यों रे, गेम खेल रहा है तू? देख रहा हूँ। क्या देख रहा है? चल रहे। कार के लिए वेट कर रही हो? चलो बाइक से ड्रॉप कर देता हूँ। भानु को बाइक से ड्रॉप करने जा रहा है, तेरी लव स्टोरी क्लोज। What is this? Ish, ये सैडिस का काम है। बबलगम चिपका दिया उसने। मेरी कार आ गई है, हम लोग कल मिले? Yeah, sure. See you, bye. अरे यार, अब मुझसे नहीं रहा जाएगा। फ्रेंडशिप डे आज से 8 दिन के बाद है, लेकिन मैं कल ही सेलिब्रेट करूंगा। देव, 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 भानु को इम्प्रेस करने के लिए बॉबी फ्रेंडशिप पार्टी अरेंज करने वाला है यार। देव, उसे भी लड़की के सामने अपमानित करना होगा, उसे डोमिनेट करके हम लोग भी फ्रेंडशिप डे मनाएंगे। ये हमसे नहीं होगा यार। वो क्यों? वो लोग श्रेया को ला रहे यार। श्रेया आएगी तो उनके लिए।
पर नाचेगी हमारे लिए। ये क्या पागलपन है, मुझे किडनैप करके यहाँ क्यों लाए हो? श्रेया नमः, ओम श्री श्रेया नमः। श्रेया श्रेया सिर्फ एक बार। श्रेया तुम आई हो लॉयल कॉलेज में डांस करने के लिए, लेकिन तुम डांस करोगी हमारे इस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अगर तुमने ना अनुकूल करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, डांस करो, मेरी बात मान जाओ। वो कॉलेज वाले थिएटर में नहीं जाते हैं, फिल्म हिट होने के बाद डीवीडी में या वीसीडी लाकर देखते हैं। लेकिन हम सिनेमा हॉल में तुम्हारा डांस देखने के लिए 10 बार जाते हैं, करो ना। श्रेया जी कॉलेज के बाथरूम की दीवार पर आपकी तस्वीर चिपकाई है, आप ही हमारी ड्रीम गर्ल हो। श्रेया जी माफ करना, हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या, पर हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, जबरदस्ती आपको उठाकर ले तो आए लेकिन जबरदस्ती डांस नहीं करवा सकते। चलिए आपको इस कॉलेज में छोड़ दो। तुम लोगों का प्यार देखकर मैंने इरादा बदल दिया है, मैं तुम्हारे कॉलेज में डांस करूंगी। चीटिंग, ब्लफिंग, पूरा फंक्शन प्लान चौपट कर दिया। डोंट वरी, हम आज ही सेलिब्रेट करेंगे। ओके। मैं भानु को इंप्रेस करना चाहता था और उल्टा उसे बॉबी से सिंपैथी हो गई। हाय। डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू शो एंड पार्टी थ्रोन बाय बॉबी। देखो सिर्फ एक से ही फ्रेंडशिप करना तो रूटीन है, इसीलिए यहाँ आई हुई सारी लड़कियों को उनके बॉयफ्रेंड की कोई भी चीज ला करके यहाँ टेबल पर रखनी होगी। ओके। बाद में पावर ऑफ कर दूंगा, अंधेरे में बॉयज उस टेबल के पास जाकर एक एक की चेन उठा लेंगे। वो की चेन जिस लड़की की होगी वो लड़की उस लड़के के साथ आज की रात पूरी खुशी से टाइम पास करेगी। अंधेरे में भानु की चेन तुम्हें ही मिलेगी। मैं इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। What's wrong? लड़कियों को फंसाने की चीप ट्रिक है, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। हेलो, बहुत हो गया, अब तक बहुत टाइम वेस्ट किया मैंने। मुझे पता है तुम्हारे देश में लड़की इस उम्र में डेटिंग पर ना जाए, बॉयफ्रेंड्स के साथ ना घूमे तो पेरेंट्स को डाउट होता है और उसे ब्यूटी पार्लर लेकर के जाते हैं। तुम्हारे अंदर भी कोई कमी है क्या? बोलो ना, बोलो बोलो। क्या देख रहा है रे तू? रुको रे, इस बार मौका छोटू को देते हैं। चल जा, निकाल ले। क्या बकवास कर रहा है यार, तू कहीं पागल तो नहीं हो गया है? अरे भाई के पैर तो देख, तोड़ दे इसके दोनों पैर, तोड़ दे। ए, भाई ने मुझसे कहा है मैं डील करूंगा। सुन, असावधानी अकेले पर कायर वार करते हैं, मैं तुम्हें यहाँ मारूंगा तो तुम हमारी गैंग पर घात लगाकर चोट करोगे, और तेरे कॉलेज में मारूंगा तो हमारे कॉलेज के सामने से निकलने में भी डर लगेगा। एक कॉलेज में पढ़ना और दूसरे में जाकर एग्जाम देना यही बहादुरी है। अपने कॉलेज में छोड़ दूं और तेरे कॉलेज में तुझे पीटूं तो क्या सीन होगा, तब आएगा असली मजा। कल तेरे कॉलेज आऊंगा, तू अकेला तो नहीं आएगा, जितने लोग ला सकते हैं ले आना, फिर भी तू मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा। वहीं सबके सामने तुझे मारूंगा, और उसके बाद से गलती से भी तेरी गैंग से कोई हमारे एरिया में आया तो उसे रुमाल से जूते साफ करके उसी से अपना मुंह पोंछना होगा, हाथ बांधकर अपना सर झुकाना होगा। याद रखना कल तेरे कॉलेज आऊंगा। बहुत बड़ी गलती कर रहा है। डर गया ना, यही तो मुझे चाहिए। ए, ये देवदास डरने वाले को नहीं मारता, देवदास का काम है मार मार कर डराना। चल जा रे, उठ ले।
ये तो सच में आ गया यार। क्या रे छटकू, रात को भानु के सामने इमोशनल होकर कमिटमेंट किया होगा, तो मैंने सोचा था कि सुबह होते तू सिचुएशन को समझ लेगा और यहाँ नहीं आएगा, लेकिन वादे के मुताबिक तू तो आ गया रे। आओ प्लीज, मैं अकेला ही आऊंगा, चाहे तुम लोग कितने भी हो, तू अकेला ही है, हम लोग 10 हैं। अब यहाँ जो कुछ भी होने वाला उसकी वजह से फ्यूचर में जितने भी जरूरी काम करने के बारे में तुमने सोच रखा होगा वो करने के लायक नहीं बचोगे। सपने बहुत देखता है, बकवास बंद करो, हम यहाँ गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए नहीं जमा हुए हैं। आजा। फिर किसी लड़की को छेड़ने से पहले आज का दिन याद कर लेना। कॉलेज वाले जिस लड़की को अपनी बाइक पर नहीं बिठा सके अपने शेर ने बिठा लिया। बाइक पर पीछे बिठा कर लाया, कितनी जगह ब्रेक लगाया बता। अरे वाह, आय हाय, आय हाय, आय हाय, मेरा घोड़ा। ए छोटो, टीम की बात है। ओके। ए छोटो, 3 की 5 नहीं 3 की 6। भाई बोले तो 6 बोल रही है, लड़की ठीक है यार। तुम हमारे साथ चाय पियोगी? हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चाय शेयर करके पीना चाहती हूँ। नानी हमेशा इंडिया के भाईचारे के बारे में बताती रहती थी, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा। असली इंडिया कहाँ है मैं जानता हूँ, देखोगी? कल सुबह हम लोग कैंटीन में मिलेंगे। बाय बाय। तुम्हारे देश में ऐसे बाय बोलते हैं? फिर कैसे बोलते हैं? हाथ से हाथ मिलाकर बाय बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं?
तुम ऐसे घबरा क्यों रही हो? हम देसी लोगों का बाय कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है ठीक है, बाय। भानु ने कहा कल सुबह कैंटीन में मिलेगी, यानी 12 घंटे बाद, मतलब 720 मिनट, और इसका मतलब हुआ 43,200 सेकंड। और बाप रे, इतना समय में उसे देखे बिना नहीं रह सकता। हमने इतना समय साथ मिलकर बिताया, 12 आवर्स मतलब 720 मिनट्स, मतलब 43,200 सेकंड्स हम मिले बगैर नहीं रह सकते हैं। ये सोचते ही मेरा दिल किया तुम्हें एक बार और देख लो। मुझसे कुछ ज्यादा ही सोचती है, इसे तो अभी आई लव यू बोलना होगा। मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, इसलिए एक बात कहना चाहता हूँ। क्या है? ए, रुक तेरी तो। नहीं देव। ए, देवदास लड़की के भानु, इन बच्चों को अपने दुपट्टे में छुपा के रखना। क्या है, हाथ चलाओगे? इस हालत में जाओगे तो टॉस पोस्ट वाले तुम्हें पहले पकड़ेंगे। घर चलो, फ्रेश होकर कल चले जाना। जरा भानु के नंबर पर फोन लगाओ। भानु सो रही है। बात कीजिए। हेलो, रॉन्ग नंबर है। लगता है इसका कोई दीवाना है, तभी तो ब्लैंक कॉल कर रहा है। लगता है उसी का फोन है, अभी बताता हूँ इसको। हाँ बोल रहे, क्या है? हैं? कौन बोल रहा है तू? पहले तू बता, तू कौन है बेवकूफ? वहाँ भानु है क्या? हाँ है, दो दिनों से हम दोनों बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, इसलिए थक कर आराम की नींद सो रही है। ए, एक बार भानु को उठा करके फोन दे दे, वो खुद बता देगी मैं कौन हूँ। कब फोन करना चाहिए, ये सेंस नहीं है। जरा बताओ अभी टाइम क्या हुआ है? तुमने टाइम पूछने के लिए फोन किया है क्या? ए, मैं भानु का डैड बोल रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें तेरे दादा के पोते के बेटे की बहू का दूर का रिश्तेदार हूँ, और कुछ सुनना चाहता है? तुम्हें भानु का खास रिश्तेदार। झूठा रिश्ता निकाल कर बात करना चाहता है, ये चाल नहीं चलेगी। फोन रख दे। बहुत आगे बढ़ गया यार। क्या बढ़ गया? तुम दोनों का प्यार। पता नहीं वो मुझसे प्यार करती है भाई कि नहीं। जरूर तुमसे प्यार करती है। भानु का प्यार खिलकर इतना बड़ा हो गया है कि उसकी खुशबू यहाँ तक आ रही है। तुझे कैसे पता चला? सबूत मिल रहे हैं यार। अच्छा कल भानु तुझसे क्या बोली थी? पूरा शहर घुमाने को बोली थी। तुमने उसे घुमाया भी। तेरे घर पे आई क्या? नहीं आई। इसी को प्यार कहते हैं? यही प्यार है। हाँ यार, ये कचरे जैसा घर ही भानु की ससुराल है। तुझसे शादी करके ही इस घर में कदम रखना चाहती है, इसीलिए वो इस घर में नहीं आई। सच में? इतना ही नहीं, रात को तुझे घर में नींद नहीं आई, फिर भानु आराम से सो गई। यही तो प्यार है। यही प्यार है। हाँ यार, तूने भानु से कहा कि प्यार है, अगर ज्यादा मिलूंगी तो कहीं कुछ गलत न कर बैठे, यही सोचकर सो गई। सच में? हाँ यार, तुझे डाउट है क्या? अभी फैसला करता हूँ। हाँ ये ले, भानु यहाँ नहीं है, इसलिए तू समझ ले तू ही भानु है। जय दुर्गे, तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा। देखा ना, पत्ता भी कहता है भानु तेरी ही है, तेरे प्यार को कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़। तो भानु अपने प्रेम के बारे में कब बताएगी? नहीं बताएगी। इसी को प्यार कहते हैं। और वो टेलीफोन बॉक्स की तरह होती है, उसमें क्वाइन डालना होता है, क्वाइन डालने के बाद ही बुलवाना पड़ता है। बुलवाऊंगा। हे भानु यार, लेट्स हैव सम फन। शाम को 4:30 को आना। ए छोटू, एक स्पेशल चाय। मैंने तुम्हारे साथ फूलिशली बिहेव करके तुम्हें हर्ट किया है, आई एम सॉरी। तुम वेस्टर्न कल्चर से आई हो ये मालूम होते हुए भी मेरे दिमाग में ये थॉट नहीं आया यार। तुम वीकेंड बहुत लाइक करती हो ना, तो अपने उसी ड्रेस में मुझे एक बार अपने पास आने दो ना यार। ये बात तुम पहले भी तो बता सकती थी ना। अब देखो, बेकार में वो चांस वो ढक्कन देवदास मार रहा है, चलेगा। नेक्स्ट वीकेंड चांस मुझे दे देना। दे चुकी यार। ए छोटू, नेक्स्ट वीकेंड ये साथ में है, समझा? नहीं, एडवांस बुकिंग। क्या हुआ, कोई डाउट है? तुझे डिसअपॉइंट नहीं करूंगा मैं, तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से अच्छा करूंगा मैं। ये बात करते करते अपना एरिया छोड़कर हमारे एरिया में आ गए है ना? अरे क्या तुमने हाथ हिलाते हुए आ गया, रूल भूल गया क्या? चल जल्दी रुमाल निकाल, हमारे जूते पोंछ, उसके बाद मुंह पोंछ, अपना मुंह पोंछ। एक ही बात बार बार नहीं बोलेगा तो समझ में नहीं आएगी। एक बार बोलोगे तो भी सुनाई देगा। तो फिर दूसरी बार मत सुन, तुझे दूसरी बार सुनने को किसने कहा रे? क्या रे, मर्दानगी याद आ रही है? 1-2 बोलना पड़ेगा। 1-2-3। देव,
बाइक निकालो। ए, जो बोल रही हूँ ध्यान से सुन। देव को मेरे बारे में और मुझको देव के बारे में सब कुछ मालूम है। तुझे हम दोनों के बीच की डिटेल्स देना मैं जरूरी नहीं समझती हूँ। देव, लेट्स गो। कहाँ चलना? जहाँ तुम्हारी मर्जी हो। बता भानु, कल तुझे एक बात बताते बताते रुक गया था। तुम पूछोगे नहीं वो क्या बात है? कौन सी बात थी बताओ ना भानु। हाँ? यू टेलीफोन बॉक्स, आई वाइन, वी गो Shut up. I hate you. Hey, गाड़ी रोक रहे हैं? मुझे थप्पड़ मारेगी? हैं? रुक तो। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे थप्पड़ मारेगी तू? Hey, कहाँ जा रही है? रुक! ऑटो! Hey, रुक! Hey, ऑटो! जल्दी चलो! Hey, hey, रुक! तो? ऐसे नहीं मानेगी। किडनैप करना पड़ेगा। कोई है? मुझे क्यों ऐसा बांध दिया है? मैं कहां पर हूँ? कोई बता तो क्यों नहीं? Please help! इतना चिल्ला क्यों रही है? जंप करना चाहती है? अभी हम हैदराबाद से 62 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में एक वीराने जंगल में हैं। यहाँ कोई नहीं आ सकता। देवी जैसी चमत्कारी लड़की, कितना रुलाया है तूने मुझे। इधर जाता हूँ तो उधर चली जाती है, उधर आता हूँ तो इधर चली जाती है। साबुन जैसे फिसल जाती है। जब जैसा चाहती है वैसा मुझे नचाती रहती है। पागल समझती है मुझे? मारूंगा एक। क्या तुझे पता है कि तुम्हारे कुत्ते को क्यों किडनैप किया मैंने? कुत्ता मत कहो, उसका नाम मुन्ना है। ठीक है, मुन्ना है। तुमसे मिलने के लिए उसे उठाया। पहले क्या था और अब देखो क्या हो गया हूँ। तुमने मुझे हीरो से जीरो बना दिया है। मेरी बाइक पर क्यों बैठी? वो भी कोई बाइक है? वो भी क्या कुत्ता है? ठीक, जिस दिन तो मेरी बाइक पर बैठी उस दिन से मेरे पेट्रोल का खर्च बढ़ गया। 20 पिकअप का, 30 ड्रॉप करने का। बदले में क्या बेला ठेंगा? एक रुपया नहीं बचा। जब अपनी बैलेंस शीट देखी ना तो उसमें जीरो बचा था। सच है। पता है तुम्हें ये सब मैंने क्यों किया? नहीं समझोगी। हे माँ, ये देवदास पहले कैसा था और अब देवदास देखो कितनी मुसीबत आ गई है। दिल की सारी बातें झट से बोल देता था, तेरी चक्कर में बर्बाद हो गया, बर्बाद। बताओ मैंने कुछ गलत किया? ऐसा करना गलत ही है ना जी। ये जी क्या है जी? अपने आप से मुझे दूर कर रही हो? ठीक है, क्या गलत है बताओ जी? आपने पप्पी लिया ना जी? उसके पहले आपने क्या किया जी? मैंने क्या किया जी? उस दिन आपके कॉलेज वालों को जब मैंने मारा तो आप बड़ी स्टाइल से कैसे मेरे पीछे आकर बाइक पर बैठ गई थी। वो क्या मैंने कहा था? खुद ही आकर बैठी थी ना। अगर आपके दिल में कुछ नहीं था तो क्यों बैठी थी? वो तो जाने दो, वो झूठ था। उसके बाद असली इंडिया देखने के बहाने एक पूरा दिन मेरे साथ बिताया, अच्छा अच्छा खाना खिलाया, वो क्या था? अब बताओ उसे क्या कहते हैं? वो भी झूठ था ना? ओके, झूठ था। उस दिन जब उस आदमी ने हमारे बारे में पूछा था, आपने क्या कहा था? मुझे देव के और देव को मेरे बारे में सब कुछ मालूम है। तुझे हम दोनों के बीच की डिटेल देना मैं जरूरी नहीं समझती बोली थी ना? मतलब मेरी उम्र का कोई लड़का तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब लगाएगा? यहाँ उस दिन होटल के पास तुमको ड्रॉप करके वापस लौटकर तुम्हारी हालत देखने के लिए तुम्हारे पास वापस आया था तो क्या हुआ था? उस दिन तुम भी लौटकर वापस आई थी या नहीं? इसका क्या मतलब लगाऊं मैं? वो तो फ्रेंडशिप। ये क्या हो गया जी? वो फ्रेंडशिप थी जी। हाँ जी। दुगा एक। ए, तू क्या मेरे फ्रेंड की सिस्टर है या फ्रेंड की लवर है? एक जवान लड़की जिसके साथ खून का रिश्ता ना हो अगर बाइक पर बैठेगी तो उसकी चुन्नी से, साड़ी से, यहाँ तक कि उसकी खुशबू से भी जवान लड़के की रग रग में आग ना लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया तुझे? अभी समझाता हूँ। एक बाइक जो कोई लड़का चला रहा हो उसमें दोनों तरफ पैर डालकर बैठना और उसके बाद अकड़ दिखाना, दोनों हाथों को उसकी कमर पर रख कर
कसकर पकड़ना, ये क्या फ्रेंडशिप है? ब्रेक लगाते ही यही फीलिंग आती है, ये भी फ्रेंडशिप है ना? इसे तुम भले ही फ्रेंडशिप मानो, लेकिन मैं नहीं मानता। फ्रेंडशिप तो एक बहाना है बहुत से लोगों के लिए। इसकी आड़ में लोग पास आते हैं और एक दूसरे को फंसा लेते हैं। ये सब मैं नहीं मानता। जो मेरे दिमाग में होता है वही मेरी जुबान पर होता है। अभी तुम्हें यही लग रहा होगा ना कि बहुत देर हो रही है। बारिश में भीग कर गले लग गई थी तब देर नहीं हो रही थी। मुझे भी ठंड लगी थी, पप्पी ले ली थी, तो बुरा क्या हुआ? छे, वो सब छोड़ो, तुम्हें यहाँ क्यों लाया? वो कर लूंगा उसके बाद तुम आजाद, कोई नहीं आएगा। मेरे दिल की सारी भड़ास निकल गई। आई लव यू बोलने के लिए लाया था, बोल दिया। प्यार करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसे एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। आज नहीं बताता तो जिंदगी भर तुम्हारे पीछे घूमता रहता। मेरे जैसे कई लड़के आई लव यू नहीं बोल पाते और जिंदगी भर भटकते ही रह जाते हैं। अब मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं बहुत हैप्पी। क्या री? क्या री? हाँ री कहा। अब ध्यान से सुन ले, मैंने जो कुछ भी कहा उसे रिवाइंड करके फील करके दोबारा मेरे पास आकर देवी बनकर आई लव यू कहने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। ए भानु, तुमने जो भी किया पर एक बात कहना चाहता हूँ। अमेरिका में पैदा होने के बाद भी गुस्सा होकर एक पप्पी के लिए तुमने जो थप्पड़ मारा वो बात मुझे अच्छी लगी। मैंने कसके नहीं बांधा है, डेढ़ गांठ बांधी है। बायां हाथ जरा सा हिलाओगी तो अपने आप खुल जाएगी। खोल ले और जा। तुमसे कुछ बात करनी थी। देव, देव। बेटी भानु, तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं मंदिर जा रही हूँ। अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो अच्छा नहीं होगा, ऐसे वार्निंग देकर आती हूँ विघ्नेश को। अरे बताना भूल गई, उस दिन देवदास के छूटे हुए कपड़े लॉन्ड्री से आ गए हैं बेटी, जाकर उसके फ्रेंड्स को दे दो बेटी। देवदास का घर कहाँ है? इसी गली में थोड़ा आगे जाने पर है, लेकिन वहाँ गाड़ी नहीं जाएगी। ए छोटू, साहब को देवदास का घर बता दे। रुकिए रुकिए, वो सामने वाला देवदास का रूम है। देवदास यहाँ रहते हैं? मैं आप कौन? भानु का फादर हूँ। अंकल अंदर आइए, आइए बैठिए। थैंक यू। एक मिनट। इट्स ओके बैठिए। कॉफी टी लस्सी शरबत या कुछ और? तुम्हारी पसंद का कलरफुल सोडा हम दोनों के लिए लाने के लिए मैंने बोल दिया है। देखो भानु मेरी बहुत ज्यादा इज्जत करती है और वो आगे पीछे सोचे बिना कोई भी काम नहीं करेगी, इसीलिए उसे इतनी ज्यादा फ्रीडम दी है मैंने। अब पता चला कि उसे प्यार हो गया है तो देखने आया हूँ कि वो लड़का कैसा है जिसे वो प्यार करती है। ये लो क्वालिटी जगह है, इस लो क्वालिटी में तुझे देखकर बहुत रिलैक्स हो गया मैं। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं भी ऐसी जगह से आया हूँ
यहाँ से आने वाले में एक अजब सा फायर होता है, उसके अंदर बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, और जब वो ऊपर उड़ जाता है तो उस पोजीशन को संभालने के लिए उसमें बहुत ज्यादा जोश होता है और वो एक एक पैसे की वैल्यू को समझता है। भाई कलर सोडा। ओ, ले जा। तुम मुझे बहुत पसंद आए, अब से तुम पहले जैसे आजाद नहीं रह गए हो, एक बंधन में बन चुके हो, प्रेम के बंधन में। मेरी माँ को बिना बताए हम कोई काम नहीं करते हैं, तो कल ठीक 11 बजे तुम अपने फ्रेंड्स को लेकर के होटल में चले आना। डैडी। भानु। ए, गिफ्ट फॉर यू ओनली। बेटा, थैंक यू डैडी। कब आया? अभी आया। क्या बात है डैडी, अचानक आ गए? सरप्राइज तो अब दूंगा मैं तुझे, जानती हो? बताओ, मैं तुम्हारा देवदास बहुत पसंद आया मुझे। डैडी, मैं आपको बताने ही वाली थी। तुम डर गई क्या? अरे मैं ना बताता तो तुम छोड़ देती। अरे देखने वाले देखे ना देखे, फूल तो खिलते रहते हैं, वैसे ही प्यार के साथ होता है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ बेटा, देवदास बहुत ही अच्छा लड़का है। अच्छा, आपका आशीर्वाद इसके साथ पहले से ही है? हाँ, वो तो सब ठीक है, लेकिन दूसरा सरप्राइज क्या है? भानु, आज तक तुम्हारा हर बर्थडे हम लोग एक साथ रह कर ही सेलिब्रेट करते हैं, इस बार भी साथ में सेलिब्रेट करेंगे। अरे नहीं लगता है कि इस बार ऐसा होगा बेटी, मैं तब तक यहाँ नहीं रुक सकता, वहाँ इलेक्शन का लफड़ा चल रहा है। तो हम वहीं चलते हैं, एक हफ्ता म्यूजिक क्लास की छुट्टी ले लेते हैं, है ना नानी? करेक्ट। मैं जानता था तुम ऐसा ही कुछ कहोगी, और इसीलिए टिकट्स पहले से बुक्ड हैं। टुमारो 1 o'clock फ्लाइट, 11 o'clock चेकिंग। डैडी, एक बार देवदास से बात कर लेती तो। अरे बताया ना बेटी, देवदास से मिलकर आ रहा हूँ मैं। हेलो, कौन है? नमस्कार माँ जी, मैं देवदास बोल रहा हूँ। एक मिनट बेटा, देवदास बात कर रहा है। डैडी, डैडी मुझे एक अच्छी बात बताई है। मुझे भी वही बताया था देव, कल सुबह हम लोग। भानु, तुम क्यों इतना शर्मा रही हो? ला फोन मुझे दो। देवदास, मैंने टाइम बताया था ना, तुम उस टाइम पर यहाँ आ जाना। बिल्कुल ठीक है अंकल। ओके बाय, कल ठीक 10 बजे वो तुम्हें सेंड ऑफ करने के लिए यहाँ होटल में आ जाएगा। थैंक यू डैडी। देवदास को 10 बजे आने के लिए बोला था, 10:05 हो रहे हैं अभी, अभी तक आया कि नहीं बेटी? वही तो डैडी, मैं भी वही सोच रही हूँ। चलो, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, अमेरिका पहुँचते वहाँ से फोन कर लेना। चलो बेटी, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। 10:15, ठीक इस समय वो घर से होटल के लिए निकला होगा। चलो। ये वो समय है जब वो होटल के अंदर पहुंच गया होगा। भानु। होटल में मिलूंगा बोलकर यहाँ आ गए, मैं कितनी टेंशन में थी पता है? कुछ काम बताकर नहीं करने चाहिए, तभी तो मजा आएगा, है ना अंकल? वो तो है बेटा, हम लोग वापस 8 दिन में लौटेंगे, ये तो बताया था ना। हाँ बताया था, बताया। टाइम हो रहा है इसलिए जरा टेंशन में थे हम लोग। माँ जी, भानु, तुम लोग जाकर जल्दी से बोर्डिंग पास ले लो, तब तक मैं यहाँ देवदास के साथ जरा 2-4 मिनट बातें कर लेता हूँ। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। कलर सोडा पियेंगे क्या ससुर जी? मुझे यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना? आपने ही कहा था ना, लोकल लोगों में फायर होता है, फायर वाला हर इंसान रिवर्स में भी सोचता है। अमेरिका का ऐशोआराम की जिंदगी जीने वाला सेनेटर मेरे पास आता है और कहता है कि अपनी बेटी कहाँ तेरे हाथ में दे दूंगा। मुझे पागल समझ रखा है क्या तूने? ओए देवदास, मैं इस स्टेज से चढ़कर इस स्टेज तक पहुँचा हूँ, मेरी चढ़ी हुई सीढ़ियाँ तू मुझे मत दिखा, वो तो मैं कब का भूल चुका हूँ रे। मेरी बेटी 1-2 नहीं करोड़ों मिलियन डॉलर्स की वारिस है, और तेरे पास कितना है रे? ए, बताना कितना है, कितना है बता? रुपया। रुपया, इससे तू अमेरिका 1 सेकंड के लिए ISD कॉल भी नहीं कर सकता रे तू, और तुझे मेरी बेटी चाहिए? बेहुदा, बेटी चाहिए मेरी तुझे? पागल हो गया क्या? खुद ही भानु को छोड़कर चैलेंज करके आया, आजकल तुझे ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है। ए, मैं कर सकता हूँ ये कॉन्फिडेंस है, और मैं ही कर सकता हूँ ये ओवर कॉन्फिडेंस है। डेफिनेट मैं भानु को लेकर आऊंगा, मुझे भरोसा है। अमेरिका को क्या अपना ननिहाल समझा है कि ट्रेन पकड़ा और पहुँच गया सुबह? नहीं भी हो, लेकिन है तो जमीन पर ही।
वीजा के लिए यहाँ के अमेरिकन एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए ही एक महीना जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्पोर्ट के बाद अमेरिका गवर्नमेंट ने सारे वीजा टाइट कर दिए, समझा? एक बार में ही वीजा स्टैंपिंग नहीं हुआ तो पता नहीं इंटरव्यू के लिए कब नंबर आएगा। तो क्या हुआ, ये सोचकर कारों की तरह बैठा रहूंगा? ए सुनो मात्रे, सुनने के बाद बजने वाली ताली से ज्यादा सुनते वक्त बजने वाली ताली मुझे अच्छी लगती है। फ्रेंड्स के नाते मुझे एनकरेज भले ही मत करो, लेकिन डिस्करेज भी मत करो। तीन बाइक का 20,000, 10,000 और दे दीजिए। तीन बाइक का 20,000 भी बहुत ज्यादा है। हट हट देव, अब तक हमारे साथ सफर करने वाली गाड़ियाँ आज तुम्हारे सफर के काम में आ रही है। इन पैसों से चेन्नई जाकर वीजा ले आओ। नहीं रे, मेरी बात मानो, तुम्हारे आने तक हम सब मिलकर किसी भी तरह से पैसे कमाएंगे और तुम्हारे सफर की तैयारी करेंगे। माँ लक्ष्मी का ही सारा खेल है। अरे ये तो इंडियन रुपया है, ये यहाँ नहीं चलेगा बेटा। बिल्कुल सही बोला माँ जी आपने। बेटा भानु, एक इंडियन कॉइन अमेरिका में नहीं चलता है, उसी तरह से इस अमेरिकन सेनेटर का इंडिया में किया हुआ वादा भी कभी नहीं चल सकता है। वहाँ न रोककर वो तुम्हें अमेरिका से वापस ले जाएगा। देवदास ने मुझे इस रुपए का चैलेंज किया है। अब तुम उसे भूल जाओ बेटी, तुम अब वहाँ कभी नहीं जा सकती। डैडी, जरा एक बार अपने आसपास तो देखो बेटी, यहाँ 50 से भी ज्यादा लोग हैं, अमेरिका के अलग अलग स्टेट से आए हुए करोड़पति। इनमें अमेरिकन, अफ्रीकन, इंडियन सभी तरह के लोग हैं। इनमें से तुम किसी को भी अपने पति के लिए सिलेक्ट कर सकती हो। उसकी जात क्या है, धर्म क्या है, ये मैं कभी भी नहीं देखूंगा। तुमने मुझे सिर्फ एक ही चॉइस दिया और मैं यहाँ तुम्हें 20 चॉइस दे रहा हूँ। बेटा भानु, मैंने तुम्हें बाप के साथ माँ का भी प्यार दिया है, मेरी स्टेटस बनी रहे, इसलिए तुम ये शादी कर लो बेटा। सॉरी डैडी, मैं अपने बारे में ही सोचती रही और आपके बारे में सोचा ही नहीं। देवदास का 20 दिन का प्यार आपके 18 साल के प्यार के सामने कुछ भी नहीं। आप जिसे कहेंगे उससे शादी कर लूँगी। बेटा आपने बिल्कुल सही सुना है, आपकी पसंद की लड़की से ही शादी करूंगी। वन वेज सैंडविच प्लीज। ये क्या बेटी, क्या तू अपने लिए नॉन वेज नहीं मंगाएगी? देवदास को पसंद नहीं। नेम देवदास। पेरेंट्स अनाथ। स्टडीज बीकॉम सेकेंड ईयर। एसेट्स नो एसेट्स। आई एम सॉरी, next time better luck. No, but actually, no, please, no. Don't waste my time. No, this, I got some documents here. Go please. Away. No, please. No, 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 please. Yes. Rao sahab, ye meri maa. Namaste. Hi, this Hi. Is my son Lucky and my family. Hi. बहुत संस्कारी परिवार है। हाँ, देख के ही पता चल रहा है कि पैदाशी संस्कार है। हाँ, अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए ना। थैंक यू। जाकर लड़की को लेकर के आओ। देवदास पसंद करता है मुझको, देवदास को पसंद करती हूँ मैं। देवदास को यहाँ से, मेरे दिमाग से निकालना नामुमकिन है, इसके बाद भी मुझसे शादी करना चाहोगे? ए भानु। नहीं अंकल। कूल, भानु ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। क्यों, घर से पढ़कर आकर जवाब दोगे? भानु, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे प्यार को छुपाया, लेकिन निडर होकर तुमने अपने दिल की सारी बात बताई। यहाँ डेटिंग किसी से और मैरिज किसी और से तो होता ही रहता है। आजकल के कल्चर में तुम्हारे टाइप की लड़कियाँ बहुत मिल जाती है। तो क्या उन सबसे शादी करोगी क्या बेटा? अंकल, हर आदमी एक लड़की का पति तो बनता ही है, लेकिन हर आदमी अमेरिकन सेनेटर का दामाद नहीं बनता। और मुझे वो स्टेटस चाहिए। या कितना ब्रॉड माइंडेड है ये, तुम ही बन सकते हो मेरे असली दामाद। दूल्हा यूज एंड थ्रो है सोचा था, पर ये तो थ्रो किया हुआ यूज करता है। अंकल हाँ। आप मुहूर्त निकालिए। ठीक है ठीक है। डैड, लेट्स गो। 18 सालों से मैंने इतने लाड़ प्यार से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, और एक महीने में ही वो लड़का तुम्हारे लिए सब कुछ हो गया। अब तो ऐसा लगता है कि इतने दिन में देवदास के बगैर कैसे रही, उसके प्यार के बिना 18 साल कैसे बिताए समझ में नहीं आता। इस धर्मराज को तुम शॉक ट्रीटमेंट दोगी? मेरे होने वाले दामाद लकी ने कैसा शॉक दिया तुम्हें? मुंह बंद कर, शादी होने तक किसी कमरे में पड़ी रह, अगर आवाज की तो मार दूंगा तुम्हें। इस धर्मराज को डराने चली है। ये तो क्या कर रहा है? कुछ मत बोलो। अरे सुन तो, मुंह बंद रखो। ज्यादा बोलूंगी ना तो तुम्हें भी उस कमरे में बंद कर दूंगा मैं। इस धर्मराज को शौक देगी वो, इस धर्मराज को। ए सेनेटर, आप इसे कह रही है? क्यों, मेरी बातें सुनकर बीपी बढ़ गया ना आपका? उस दिन रेस्टोरेंट में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, आप धोखा देकर मुझे यहाँ लाए थे ना? हाँ, अब बताइए कैसा लगा मेरा रिवर्स टर्न?
धोखा देना मैंने तुमसे ही सीखा है सेनेटर, और दिलेरी से जीना मैंने अपने प्यार देवदास से सीखा है। आपको ऐसा लगता है ना इस कमरे में मुझे बंद करके पनिशमेंट दे रहे हैं, लेकिन ये पनिशमेंट नहीं है, मेरे लिए तो ये गिफ्ट है। बाहर रहूंगी तो सुबह से ही तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल देखनी पड़ेगी, अंदर रहूंगी तो कम से कम 24 घंटे अपने लवर की यादों के साथ खुश तो रह पाऊंगी। इस तरह की बातें कहां से सीखी है तुमने? वो देवदास भी ऐसा ही है बिल्कुल। हाथ में आई लड़की को छोड़कर उसने मुझे चैलेंज किया, उससे तो देवदास का तो कुछ नहीं कर पाएगा। जितना भरोसा उसको खुद पर है उतना ही भरोसा उसे मुझ पर भी है। देखना वो यहाँ पर जरूर आएगा और मुझे लेकर जाएगा। दिन में सपने देख रही हो? जहाँ ये धर्म राज तय करेगा वहीं तुम्हें शादी करनी होगी। देवदास से शादी करके अगले दिन ही मर जाओ तो भी कोई गम नहीं, पर किसी और से शादी नहीं करूंगी। सर हालात बिस्तर तक आ चुके हैं, लाइट बुझाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते हैं। ए, मरने के लिए यही गाड़ी मिली थी क्या? ड्राइवर दिखता नहीं है क्या? देवदास, प्यार के लिए कोई इतना पागल होता है क्या? तो किसके लिए होते हैं? चलो जी रेडी है ना? रेडी हो क्या? विल गो फॉर टेक। सर श्रेया जी का फोन है। हाय श्रेया, हाउ आर यू? आई एम फाइन शानू। मुझे पता चला है कि तुम नए आर्टिस्टों को लेकर अमेरिका में शूटिंग करने जा रहे हो, उनका वीजा कब बनवाने जा रहे हो? अगले हफ्ते तक जाऊंगा। एक काम था आपसे, आपसे एक फेवर चाहिए था, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। टेंशन मत लो, काम हो जाएगा। सर यू आर co-director। यस। गो टू कैश नंबर 2 एंड पे द वीजा फीस। वी सेंड यू वीजा एंड पासपोर्ट थ्रू कूरियर। Thanks a lot. सर वो रुक बेटा, मुझे भी इंडिया भेज। क्यों, आप भी वहाँ जाके मोहब्बत करके आएंगी? तो चुप रहे, मैं अपनी आंखों के सामने ये सब होता हुआ नहीं देख सकती। नहीं देख सकती तो समझाओ उसे, उठ गई क्या वो? उठेगी तो गाली सुनाई देगी ना सर। सीनेट के लिए जा रहा हूँ, लड़की को संभाल कर रखना। एक इंडियन कॉइन अमेरिका में नहीं चलता है, उसी तरह से इस अमेरिकन सीनेटर का इंडिया में किया हुआ वादा भी कभी नहीं चल सकता है। Hey, go back and change the power pole. मिठाई लाल कहाँ मर गया? मिठाई लाल! बेटा, क्या हुआ सर? बेटा, क्या हुआ बेटा? पानी लो, पानी दो मुझे, पानी दो! क्या हुआ पानी का? क्या हुआ पानी का? लिफ्ट के अंदर देना है कि बाहर देना है? ये तो मजाक लग रहा है तुम्हें? ये धर्मदास क्यों लग रहा है क्या? ए धर्मराज, क्या कहा था इंडियन कॉइन अमेरिका में नहीं चलेगा? इसी इंडियन कॉइन ने एक अमेरिका के सीनेटर को थर थर कांपने पर मजबूर कर दिया है। मुझे नहीं, उस लड़की को समझाओ। हाँ, जब मैं अपने दामाद को ही ना समझा पाई तो उसकी बेटी को क्या समझाऊंगी? हेलो, दिल के जादू का नाम होता है प्यार, और इस प्यार में मैं पूरी तरह से डूब चुकी हूँ। 8 दिन कमरे में बंद रहने के बाद भी मुझे उजाले की कोई जरूरत नहीं है। एक तू है कि चारों तरफ उजाला रहने के बाद भी तू अंधेरे से डर रहा है। उसी डर के कारण तू लिफ्ट में 1 मिनट भी नहीं रह पाया। यही यही फर्क है तेरी पोजीशन और मेरी पोजीशन का। उस बेकार के कॉइन के मैजिक की तरह ही हमारा प्यार भी सेंसेशन पैदा करेगा, देख लेना। मस्ती मस्ती मस्ती, प्यार की मस्ती में उड़ रही है ना तू? ए देवदास, मेरी लड़की के मुंह से मुझे ही ताने सुनवा रहा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ रे, तू अभी तक अमेरिका नहीं गया? इसे हुआ क्या, अभी तक यही पड़ा है। ए बॉबी, मजाक मत कर। कोरियर सर्विस वाले से जो तूने मेरा वीजा और पासपोर्ट लिया है वो चुपचाप वापस कर दे। तो तुझे मालूम चल गया, इसे दे दे क्या? नो, सॉरी बॉस, मेरे लोग कह रहे हैं कि इसे मत दो। ए, ऐसे मांगेंगे तो नहीं देगा, इसका तोड़ पानी करना पड़ेगा रे। ए, लॉन चौक निकालेगा क्या? निकालेगा ये मालूम है ना, इसीलिए पासपोर्ट अपने पास नहीं रखा, उसे छुपा कर रखा है मैंने।
और अगर वो वापस चाहिए तो इसे काम करना होगा। क्या करना होगा? राइट, इस पटरी पर और इस पटरी पर लोकल ट्रेन आती रहती हैं, जाती रहती हैं। तुझे बाइक स्टार्ट करके उस पटरी के बीच रेडी होना होगा। इस पटरी वाली लोकल ट्रेन का आखिरी डब्बा जब तुम्हारे पास से गुजर जाएगा तो उसी समय तुझे बाइक को मूव करना होगा। वो देख 80 किलोमीटर का बोर्ड, ट्रेन उसे पार करे उससे पहले तुम्हें बाइक से उसे ओवरटेक करना होगा। इजी गेम है, पहले तू खेल, बाद में मैं खेलूंगा। अगर मुझसे कम टाइम में तूने ट्रेन को ओवरटेक कर लिया तो वीजा पासपोर्ट तुम्हारा होगा। ऐसा मत करना छोटो, इसमें जरूर इनकी कोई चाल लगती है। तू जिस पटरी पर जा रहा है उस पे अचानक से ट्रेन आ गई तो खतरा दोनों के लिए है, और जब तक खतरा ना हो गेम में फील नहीं होता। तेरा टाइम अच्छा रहा, और अगर सामने से ट्रेन नहीं आई तो भानु तेरी होगी। मैं रेडी हूँ। पैसे वाला समझकर मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। It's okay. लेकिन पैसे से आने वाली मौज मस्ती और एंजॉयमेंट के लिए जो जीवन चाहिए, आज तूने वो जीवन मुझे वापस लौटाया है दोस्त। बॉबी कॉल फॉर यू। हेलो बॉबी, ट्रेन गेम में तुमने देवदास को मार दिया ना? आपके कहने पर मैंने उसे बिल्कुल मार दिया, अब आप उसे भूल जाइए सर। तुम्हारा होने वाला ससुर। अब जाकर ये खुशखबरी भानु को बतानी चाहिए मुझे। ए भानु, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम्हारा देवदास। लगता है बेटी के टॉर्चर से पागल हो गया है। ओए सुन, हा? वो देवदास क्या है सर? ये ट्रेन का खेल? खेल नहीं रे, गेम। कंफर्म ये पूरा पागल हो गया है। उधर से एक ट्रेन, इधर से एक ट्रेन, उसमें आप है, इसमें मैं हूँ। तू अपना मुंह बंद रख, बीच में एक बाइक भी है। ठीक से बताइए सर, मैं उसमें चढ़ूँ या इसमें चढ़ूँ? तू कहीं भी नहीं चलेगा, तो? देवदास बाइक पर बैठा हुआ है। ऐसा क्या? सो इंटरेस्टिंग। उधर से एक ट्रेन, इधर से एक ट्रेन, और बीच में बाइक है। दोनों ट्रेन के बीच में बाइक है। गेम स्टार्ट कर लो। ट्रेन इधर उधर, टुकड़े टुकड़े हो गया। अभी कहाँ टुकड़े हुआ हूँ, मैं तो खड़ा हूँ। तू नहीं रे, वो देवदास। अरे फिलहाल तो देवदास मैं ही हूँ ना। तू पागल हो गया है क्या? आपको ऐसा भी लग रहा है? क्या हुआ बेटा? देवदास के मरने की खबर सुनते ही बेचारा पागल हो गया। देवदास मर गया? ओल्ड न्यूज, मैंने ही तो उसे मरवाया। चैलेंज करेगा और वो भी धर्मराज को। कोई चैलेंज का गेम खेल कर उस ट्रेन के नीचे उसकी समाधि बनवा दी मैंने। बाबू देवदास, अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे थे। सर आप अगर थप्पड़ ना मारो तो एक बात बोलूं? हाँ बोलो। ये शुभ समाचार भानु ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ होगी? शौक से कहीं भानु भी है? सुने
क्रिएटर, सुसाइड कर लूंगी यही सोचा था ना? प्यार करने वालों का एक दूसरे के ऊपर पूरा पूरा अधिकार होता है। एक दूसरे को बिना बताए सुसाइड करने का अधिकार मुझको ही नहीं, किसी लवर को नहीं होता। ओए, 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 वो देवदास सच में मर गया है रे। डैडी, वो नहीं मर सकता है डैडी। ओवर 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 कॉन्फिडेंस। अरे वो देवदास सच में मर गया है। दिन में सपना देख रहे हैं। उसे कुछ हुआ तो मुझे पता चल जाएगा और मुझे कुछ हुआ तो उसे पता चल जाएगा। दैट इज द मैजिक ऑफ लव। देवदास जरूर आएगा। ही इज ऑन हिज वे। क्या सर, देवदास मर गया बोल के धोखा दिया आपने मुझे? ऐसी बात है? हाँ। अमेरिका, मेरी प्रेमिका को जन्म देने वाले देश, मेरे आने से आज तेरा जन्म धन्य हो गया। अच्छा देखो देवदास, यहाँ की गवर्नमेंट ने हमारी यूनिट को सिर्फ 15 दिन की परमिशन दी है। इतने दिनों में तुम्हारी लव स्टोरी सक्सेस हो या फेल हो, आज से ठीक 15वें दिन शाम को 7 बजे तुम्हें यहाँ आना होगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर तुम्हें यहाँ लाया हूँ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। ये डॉलर्स अपने पास रखो, तुम्हारे काम आएंगे। थैंक्स। वाव, इसका घर तो बड़े महल जैसा है। ससुर जी ने इंतजाम अच्छा किया है। कैश हैम, Who are you? I'm movie co-producer. Why are you standing here? Location. Show me your passport. So you came from India? Yes. By the way, what's your film's name? Pyar ka Apsana. Pyar ka Apsana? Oh, nice. Why can't you take me as villain? This is restricted area. Don't stay here. Move away. Okay. Hey, enjoy America. Thank you. ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा है मर जा। टाइम वेस्ट। तैरना सीखना चाहती हो? नहीं, मरना चाहती हूँ। यहाँ से कूद कर कैसे मरोगे? छोड़ो, आईडी नहीं मिलेगी। वो बिल्डिंग देख रही हो? अगर तुम उस बिल्डिंग से कूदोगी ना तो नीचे पहुँचने से पहले ही जान निकल जाएगी। हैं, जाओ कूदो। ओए, ओए, रुक रे, क्या बोला? क्या हुआ, लोकेशन चेंज कर रही हो? मुझे नहीं मरना। वो क्यों? बड़ी मुश्किल से तो 2 बार सुसाइड करने के लिए हिम्मत जुटा पाई थी मैं, इस बार तेरी वजह से फेल हो गई। फिर से हिम्मत जुटाने के लिए टाइम लगेगा। पर तुम मरना क्यों चाहती हो? पहली बार हाई स्कूल में, दूसरी बार कॉलेज में, तीसरी बार ऑफिस में, 3 बार लव में फेल हो चुकी हूँ। ऑटोग्राफ, बैड मेमोरीज। मजाक लग रहा है? उसके लिए जान दोगी? उन सबको मिस कर रही हूँ इसलिए। क्यों, इतनी खूबसूरत लड़की को गंवा कर वो क्यों नहीं पछताएगा? सुनिए, अमेरिका किस काम के लिए आए हो? सेनेटर से मिलने के लिए। सेनेटर तुम्हारा दोस्त है? नहीं, मेरा दुश्मन है। हा? उसकी लड़की से रिश्ता है। कैसा रिश्ता? वो लड़की मुझसे प्यार करती है। हेलो, प्यार के लिए इतनी मुसीबतें उठाकर यहाँ पर आए हो? प्यार तुम्हारे लिए कितना कीमती है ये देखकर मुझे अच्छा लगा। मुझे प्यार पाने के लिए किसी ने हेल्प नहीं की, पर मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरे साथ यहाँ रह सकते हो। थैंक्स। ए टिल्ले, गुड न्यूज़ यार, इंडियन एसोसिएशन के सदस्य आज सिनेटर के घर समर्थन देने के लिए जा रहे हैं। जी, इस बार सिनेटर टिकट आपको ही मिले, इसीलिए हम सब भारतीयों का समर्थन आपके साथ है। मेरे प्रति आपका अभिनंदन और मोहब्बत ऐसे ही बरकरार रहा तो इस बार विजय प्राप्त करके अपने देश की शान को विश्व भर में और 10 गुना बढ़ा दूंगा मैं। फिर मिलते हैं। यहाँ के लोग तो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन इंडिया वाले लोग थोड़ा कम जानते हैं। उनके लिए हमारी जेमिनी टीवी को एक इंटरव्यू दे ही डालो। ओके। सर, आपकी नज़र में इंडिया बहुत महान है। फिर इंडिया में क्यों नहीं रहते, यहाँ क्यों रहते हैं बताइए। एक इंडियन का अमेरिका में सीनेटर होना महान बात नहीं है क्या? यस बेबी, तुम तो इंटरव्यू लेती ही रहती हो, है ना?
मैं इंटरव्यू लूंगा तो लोगों के लिए कुछ अलग होगा ना, तो माइक दे दो। मिस्टर धर्मराज, तू ये कौन सा खेल खेल रहा है? बेबी के कठिन प्रश्नों का उत्तर देते हुए सर मुंडवाना पड़ेगा। मैं आपसे सरल सरल पूछूंगा, ठीक है ना? ठीक है, पूछ। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, रिहर्सल कर रहा था। हाय व्यूअर्स, मिठाई लाल ऑन द लाइन। आपकी टीवी अगर बंद है तो उसे चालू कीजिए। धर्मराज लक्ष्मी नारायण जी, आपको मेरा नमस्कार। मजबूरी है, कीजिए। आपको देखने से शांति और सहानुभूति का रूप कहलाने वाला भारत देश देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है। तू मामूली आदमी से सेनेटर कैसे बना? कैसे बने आप? यदि इंसान मेहनत करे तो भगवान भी बन सकता है। ओबामा सुनेगा तो सर फोड़ लेगा, उसे हिंदी नहीं आती ना इसलिए। बाय द वे, इतनी छोटी उम्र में आप इतने ऊपर कैसे पहुँच गए सर? जो काम कल करना है उसे मैं आज ही करता हूँ। इतने फालतू बैठे रहते हो, ब्रेक ले ले क्या? अब हम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? बहुत टाइम है ना। एक फालतू सा क्वेश्चन, ताश खेलते हो? इट्स नेचुरल। ताश में आपको कौन सा पत्ता पसंद है? बादशाह। और कवि? कालिदास। आपकी माँ को? रामदास। आपकी बेटी को? देवदास। सॉरी, लकी दास। आखिरी सवाल, मेरे जैसे नौजवानों को क्या संदेश देंगे? आप नौजवान है? या, I'm unmarried. Over. इधर चल। सा, 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 सा। हाय ससुर जी, दोबारा कभी इंटरव्यू का नाम नहीं आ रहा। भ्रम है, वो मरा नहीं है, मेरे दिमाग में सेट हो चुका है। पक्का पागल है? रिलैक्स। भ्रम था। ए मुन्ना कम, उसने मुंह में कोई पर्ची पकड़ा हुआ है। कमान, कम यार, या कुछ भी चीज मुंह में डाल लेता है, यूजलेस। उसमें क्या लिखा है? तुम पढ़ो। मुन्ना को पकड़िए, चिट्ठी दीजिए। राम, बैंगन 1 किलो, भिंडी 2 किलो, मिलेगा तो लौकी 1/2 किलो, टमाटर 10 किलो, आलू 4 किलो, प्याज 2 किलो, दूध का डिब्बा, कॉफी का डिब्बा, नूडल, क्या है ये? सामान की लिस्ट देख ली, इतना नाटक जरूरी है क्या? अरे नहीं, इसमें कोई मैसेज छुपा हुआ है। हाँ, क्या छुपा बताओ? मैं कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ, बचपन से स्कूल फर्स्ट, कॉलेज फर्स्ट, यूनिवर्सिटी फर्स्ट, सब में फर्स्ट आए हो तो ये सड़क सा लेटर क्यों नहीं पढ़ पा रहे? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तुम्हें लगता है नहीं पढ़ सकता हूँ? इसमें लिखा है मिस यू, ये लिखा है ना? आई मिस यू। क्या हुआ, तुम इतना हंस क्यों रही हो? आप नहीं जानते क्या, ये भी एक टाइप का टॉर्चर है। दिल को हिम्मत बंधाती रही और तुम्हारे यहाँ आने के बाद मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। अब मुझसे नहीं रहा जाता, पता नहीं कल क्या हो जाए। कल का दिन यादगार दिन होगा और जो मैं करूँगा उसे तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल टॉक टू देम। ओके, डोर क्लोज। अबे देखना, लड़की भाग रही है। लड़की का भागना देख रहे हो? क्यों भाग रही है ये देखो। मुन्ना, बैड बॉय। क्या हुआ भानु, कहाँ भागे जा रही थी? मुन्ना भाग रहा था नानी, पता है ना मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, फिर कभी ऐसा ना हो इसलिए कमरे में बंद करके रखूंगी। देखो ना बेटी, 3 साल से जो कुत्ता साथ है उसके भागने पर तुम उसके पीछे दौड़ रही हो। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें 18 साल पाला है, अब तुम देवदास के साथ जाने की बात करोगी तो वो कमरे में बंद करेंगे ही ना। बेटी के लिए अलग रूल और डैडी के लिए अलग रूल। जन्म देने वाले पिता को अरे सीनेटर, क्या अरे सीनेटर कह रही थी? सोचो कितना दुख हुआ होगा उन्हें, कितनी रातें बिना सोए गुजारी है उसने, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ बेटी। मैंने कई बार उसे अकेले में रोते हुए देखा है। सच्ची में रो रहा है? जो मर गया उसके लिए जिंदा लोगों को रुला कर तुझे क्या मिल जाएगा बेटी? मुझे माफ कर दो नानी माँ, मुन्ना ने मेरी आंखें खोल दी। लैला को बदलने वाला कुत्ता, अब आगे से पिताजी का दिल कभी नहीं दुखाऊंगी। भगवान, कितने दिनों बाद मेरी बेटी को सद्बुद्धि दी है तूने। बेटा तू कब आया? लगता है आँख में कचरा आ गया। क्या है बेटा, बोलना। सास और दामाद ने पहली बार माँ बेटे का प्यार देख रहा हूँ। देवदास के मरने की खबर सबसे पहले तुझे लगी थी, मुझे भी इस बात पर यकीन आ गया, लेकिन भानु को ये बात समझने में बहुत वक्त लग गया, इसलिए अभी मैं लड़की को मंदिर ले जाती हूँ भगवान के दर्शन कराने के लिए। लेकर जाओ माँ। हम मंदिर जा रहे हैं डैडी। इतनी जल्दी ड्रेस चेंज, मंदिर जाने की बात तो अभी हुई, फिर इसे कैसे पता चल गई? जाओ बेटी, नारियल फोड़ना मत भूलना। अच्छा उल्लू बना। जाओ। वो समझ गए क्या? माँ,
तुमने जो कहा बिल्कुल सही है, भानु अच्छे मूड में लगती है। इससे पहले कि इसका मूड बदल जाए, तुम इसको वही मंदिर में रखना, मैं दामाद को लेकर के आऊंगा, फिर दोनों को मिलवा देंगे। सर, सडनली आपकी आवाज में ऐसा चेंज क्यों? खुशी से मेरा गला बैठ गया है रे। सर मुझे एक डाउट है सर। ऐसे समय में डाउट क्या है? डाउट के लिए टाइम चाहिए क्या सर? अरे वो मंदिर खुशी के समय में ऐसा डाउट बिल्कुल नहीं आना चाहिए। चलो रुको रुको रुको, अरे होली खेल रहे हैं, उनके पास गाड़ी रोक दो। क्या सर क्या देख रहे हैं? बेटी में आए बदलाव को देखकर भरोसा नहीं। भ्रम है भ्रम है। भ्रम है भ्रम ही है। कन्फर्म हो गया है, पागल पागल हो गया तू। क्यों रे, तू अभी तक यहाँ क्यों खड़ा है, गया क्यों नहीं? कहाँ? तूने कहा था ना, भानु का दिल बदलने से पहले लड़के को लेकर मंदिर पहुँच जाऊंगा। चल बेटा तू जल्दी जा। सर सर हाँ, मुझे एक डाउट है सर। अब कौन सा डाउट है? पुराने डाउट के बारे में थोड़ी बोलूंगा, नया डाउट है। खुशी के मौके पर ऐसी बात करेगा तो जीप काट लूंगा। ओके सर, अब जब दुखी रहोगे तभी पूछूंगा। हेलो, थैंक्स बॉबी, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी वापस आ गई मेरे पास। ये बात है भाई, जब अभी तो आप लोग वहाँ पर होली मना रहे होंगे ना? हाँ मना रहे हैं। क्यों? आप वहाँ होली तो मना रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आपकी बेटी आपके पास नहीं आई है, वो आपसे दूर जा रही है। क्या मतलब? दरअसल बात ये है कि हमारे यहाँ तो होली 10 दिन के बाद आएगी, पर उसके बाद आपके लिए ऐसी होली कभी नहीं आएगी। मतलब तूने उस देवदास को? अब इसका भी जवाब आपको देना होगा क्या? पागल कहीं का। ड्राइवर सर, टेक यू टर्न एंड गो बैक टू लिबर्टी स्टेट पार्क। भानु यही कहीं होगी बेटा। आज होली है क्या? हाँ? आज होली है क्या? ऐसा मैंने कब कहा था? तो फिर क्या है ये? एक इंडियन लड़के ने होली खेलने के लिए पैसे दिए थे, इसलिए खेल रहे हैं। जन्माष्टमी भी मना सकते हैं, पैसे मिलने चाहिए। दीजिए सर, मैं बनूंगा। कार लाल हो गया। सर आज हाँ? होली नहीं है ये मुझे मालूम था, वही मेरा नया डाउट था, वही मैं आपसे पूछने वाला था। तो फिर क्यों नहीं पूछा तुमने? दुख में पूछने के लिए कहा था। क्यों सर इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? अभी तक मारा नहीं है। हाँ? यहाँ पर आया हुआ है वो। ओहो? लड़की को लेकर भाग गया वो। अम्मा, लेकिन कहाँ लेकर भागा होगा वो? वो नो मैन्स लैंड है, कोई नहीं आ सकता। कल सुबह मैं आकर इसी चांद तुम्हें पिकअप कर लूंगी, तब तक राजा रानी और सैनिक सब तुम ही हो। एंजॉय योरसेल्फ, बाय। हैप्पी बर्थडे भानु, सबसे पहले मैंने तुम्हें विश किया हो। I'm so thrilled. मैं भी तो यही चाहती थी। मेरे बर्थडे पे तुमने जो गिफ्ट दिया है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। तब तो मेरी कर्जदार हो जाओगे। तो मैं ये कर्जा उतार दूंगी। हेलो, मैं हूँ भानु। कहाँ तुम? कहाँ तुम इस समय? शादी में। किसकी शादी में हो? मेरी, देवदास के साथ। बकवास बकवास, शादी खिलवाड़ है क्या? उसके बारे में कुछ भी पता है तुम्हें? पहले घर के लोग देखते हैं और फिर सगाई होती है, उसके बाद बड़ों के सामने सिंदूर भरना होता है, तब होती है शादी। हमारी शादी भी समाज के मुताबिक ही हुई है। मेरी और देवदास की पहली मुलाकात इंडिया में हुई थी। बहुत जल्दी हम एक दूसरे को समझने लगे। हमारी नजर से देखो, हमारा प्यार समझ में आएगा। जिस दिन सारे रिश्ते तोड़कर हम एक दूसरे की बाहों में समा गए थे, उसी दिन हमारी सगाई हो गई थी। पंच तत्वों को साक्षी मानकर जिस दिन हमने एक दूसरे के होठों पर होठ रखे थे, उसी दिन शादी हो गई थी। अब
हम लोग हनीमून प्लान कर रहे हैं डैडी। कहाँ कहाँ है वो तुम्हारा देवदास? कहाँ है? रसूर जी, अगर उसने फोन कट कर दिया तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो कहाँ है पता लगाना है। बात कीजिए बात कीजिए। ए मिठाई लाल सर, कंफ्यूज मत हो रहे, मैं न्यूयॉर्क से ही बात कर रहा हूँ। धोखा देकर मेरी बेटी को ले गया और खुद का मन कहता है रे। मैंने तुझे क्या धोखा दिया रे? मुझे गाली दे दे, मेरे कैरेक्टर को गाली मत देना, आग लग जाती है। हैदराबाद में क्या बोला था पता है ना? एक बार जरा रिवाइंड करके तो देख। अमेरिका आऊंगा तो अमेरिका आ गया, और अब दूसरा याद कर, तेरे घर पे आया हाय ससुर जी, लेकिन तुझे पता नहीं चल पाया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? एक बात और याद कर, तेरे घर से ही नहीं तेरे दिल से भी भानु को बाहर निकाल दिया, तेरे चमचों के सामने उसे उठा कर लाया और तू कुछ नहीं कर सका। ए देवदास, हर समय में हर कोई सही नहीं हो सकता है रे। इतना सब कुछ सही करते आए हो लेकिन एक छोटी सी गलती कर गए तुम। भानु को इंडिया ले जा करके वहाँ से तुम्हें फोन करना चाहिए था मुझे, लेकिन यहाँ से फोन किया तुमने, इसलिए तुम धर्मराज की मुट्ठी में हो। तू एक नॉन लोकल है और मैं लोकल, मेरे पास पावर भी है और पहचान भी है। तुम्हारे इंडिया जाने से पहले अगर भानु को तुम्हारे पास से ये धर्मराज अपने पास लेकर के नहीं आया ना, तो न्यूयॉर्क स्टेट का सीनेटर पद छोड़ देगा। उसके लिए कितना टाइम चाहिए? 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे? 12 घंटे बहुत है मेरे लिए। ले ले, बोनस टाइम कितना चाहिए? 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स? एक सेकंड भी नहीं चाहिए मुझे बोनस टाइम। ए देवदास, ये धर्मराज तुझे एक और चांस देता है, टाइम नोट कर ले। मेरे 12 घंटे होने के बाद अगर एक सेकंड भी ज्यादा होता है ना, तो लड़की तुम्हारी होगी। ले जाना, इंडिया ले जाना उसे तुम। अब चढ़ेगा, अब चढ़ेगा पैर से सिर तक नशा। तेरे बाप को भड़का दिया है, गुस्से में तेरा बाप आगे पीछे कुछ नहीं सोचेगा। अब मैं आराम से उसकी जड़ें उखाड़ सकता हूँ। किसी भी आदमी का प्लस पॉइंट बैड टाइम में उसका माइनस पॉइंट बन जाता है। उसका प्लस पॉइंट है हिम्मत, उसे भड़का कर अपने वश में कर लिया, फंस गया वो। सिक्योरिटी, कम ऑन गो एंड सर्च एवरीवेयर, आई वांट माय डॉटर। आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, जो बचे अपने घर जाओ। इस धर्मराज को चैलेंज करता है वो। गर्ल्स गो एवरीवन, सर्च एवरीवेयर, इंच इंच पर, कदम कदम पर, छोटी से छोटी जगह जाकर उसे ढूंढो। धर्मराज कितना पावरफुल है दिखाता हूँ मैं। गर्ल्स गो ऑल स्टेशन, गो एवरीवेयर, सर्च एवरीवेयर। धर्मराज को चैलेंज करेगा वो। मुझे एक डाउट है सर। हा? अभी बताना होगा। बता बता बताना। आपको बताकर हिलाना चाहता था पर आपने हिला दिया, फिर भूल गया। याद आ गया। क्या है क्या है? हिलाओ मत सर, फिर भूल जाऊंगा। इससे पहले कभी किसी ने गोद में बच्चा रखकर गांव में ढूंढा है? मतलब वो अपने पास हो सकता है, अपने घर में हो सकता है, अपने ऑफिस में हो सकता है। हेलो हेलो ससुर जी। तुम हमेशा पाप नहीं कभी कभी पुण्य भी करते हो। तुम्हारे कहने का क्या मतलब? टेंशन में भी भिखारी को डॉलर दिया ना। तूने ये सब कहाँ से देख लिया? मेरी हिम्मत की दाद दो ससुर जी, वो डॉलर लेने वाला मैं ही था। देवदास बाहर ही बैठा हुआ है। देवदास, मैं क्या अब तक वही रहूंगा ससुर जी? टेंशन में तुम क्या कर रहे हो तुम्हें भी पता नहीं है, जल्दबाजी क्यों करते हो? अभी तो बहुत टाइम है, आराम से सोच समझ लो। What's this? क्या है? अच्छा पेन कागज दो, लिखो। ये टेबलेट ले क्या? ओके। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं रे। पकड़ के बताओ तो जानू। Shit! Go and search all railway stations. Go. Okay, जाओ। Hello? Senator, we couldn't find your daughter. Shit. Hello? Senator, we can't find your daughter. Hey, Devdas. क्या ससुर जी? रेलवे स्टेशन में ढूंढ रहे हो? ढूंढो ढूंढो। Hey! अरे ये कैसी बेवकूफी है? एक मिनट, हर बार साउंड सुन लिया ना, अब लेट क्यों कर रहे हो? आ जाओ जल्दी से आ जाओ। यहाँ आने के बाद हवाई जहाज ऐसे उड़ेगा, वहां से एयरपोर्ट आ जाना है। क्यों ससुर जी, कैसा लगा हमारा टेप रिकॉर्डर गेम? इसके बाद कौन सी जगह जाना है सर? फोन नहीं आएगा तब तक कैसे बताएगा? Thank you.
ब्यूटीफुल। टीवी पर देखने पर इतना टेम्पटिंग लग रहा है, डायरेक्ट देखूंगा तो कैसा लगेगा। गंदी ड्रेस है। मैं ड्रेस नहीं देख रहा हूँ। ओ छी छी छी, औरत की सुंदरता दो दो इंच के कपड़ों में नहीं दिखाई देती, छह गज की साड़ी में दिखाई देती है। साड़ी में? साड़ी की स्पेशलिटी पता है क्या? क्या है? इसमें जो चीज छुपानी होती वो छुपा सकते हैं, जो चीज दिखानी होती वो दिखा सकते हैं, और फिर भी सामने वाले को अट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रूफ कर सकती हो क्या? देखना चाहोगे? तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे पाप के। फोन करने वाला ससुर जी बोलेगा तो मुझे दे देना। मैं ससुर थोड़े ही हूँ सर। इडियट। हेलो। टिन टिन टिन। होटल अनुपमा की तरफ से टाइम, ठीक दो घंटे बाद चैलेंज का समय 4 बज जाएंगे ससुर जी। ये सब मुझे मालूम है। हार जाएंगे ना? ए, देखना मैं ही जीतूंगा। ऐसे कैसे जीतेंगे? गुस्से में आकर मार दूंगा, चीर दूंगा, बोल बोल के अब तक 2 बार हार चुके हो। अब क्या हुआ, अभी तक हमारा ठिकाना नहीं ढूंढ पाए? मुझे तुम पर दया आ रही है ससुर जी। तू कौन होता है मुझ पर दया करने वाला? तुम्हारी औकात क्या है पता है? मुझे देखकर तुझे डरना होगा। मैं क्यों डरूंगा? अपनी लो वोल्टेज से बड़ी मुश्किल से तो एक लड़की पैदा कर पाए, हाई वोल्टेज से 5-6 पैदा करने की ताकत रखता हूँ, मैं क्यों डरूंगा? तेरे बाप की। तेरे बाप के बाप की। मुझे उसने। तुझे नहीं रे, तेरे बाप को। गंदा इंसान कहीं का, तू ऐसे वैसे मौत नहीं मरेगा, गंदी बीमारी से तड़प तड़प कर मरेगा तू, कुत्ते की औलाद, गंदी नाली की कीड़े। आहा, कितने दिनों बाद अपनी लोकल भाषा सुनी, सुनकर मेरा दिमाग फ्रेश हो गया। ये है मेरी रेंज। ए, तेरे बाप की। आपने जहाँ गाली सीखी उस स्कूल का, मैं हेडमास्टर रहा हूँ। चर्बी ज्यादा चढ़ गई, जोड़ रहा है, मेरा दिमाग मत घुमा चिंदीचोर। और अगर मेरा घूम गया ना? क्या कर लेगा रे तू, जूते के तल्ले? कुछ भी कर सकता हूँ रे बिन पैंदी के लोटे। तेरा बाप का था? तेरा बाप होगा। अत्तर अत्तर तू, हेल्प कर रहा हूँ सर। अत्तर है तू, तू तेरी ताता तूरा। ताता तूरा। आधे घंटे का टाइम दीजिए सर, लिस्ट बना के देता हूँ गाली की। क्या हुआ ससुर जी, स्टॉक खत्म हो गया? बोला था ना तू गालियों में कमजोर है। आ गया सर, तेरे को रस्सी से बांध के तेरे मुंह में 2 घूसा लगाऊंगा। तो क्या मैं चुप रहूंगा, तेरा घूसा वापस नहीं करूंगा? मुसीबत में गधे को बाप बनाना पड़ता है। मैं क्यों बनूंगा रे, अपने बगल वाले से बोल, वो तेरा बाप बन जाएगा। फोन रख दे रे वरना दिमाग सड़ जाएगा। क्यों ससुर जी, निकली ना भड़ास या अभी बाकी है? सामने होता ना तो तेरी तो। ससुर जी, आपकी तरह पहले भी किसी ने सोमवार को मंगलवार बताया था। करेक्ट सर। देखो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, मैं जानता हूँ तू हमें नहीं पकड़ पाएगा, मैं तुम्हारे सामने रूप बदल कर आऊंगा, और अगर तूने मुझे पहचान लिया तो मैं भानु को तुम्हारे पास छोड़कर चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। ए सेनेटर, use your band which you don't have. कहीं तो कोई गलती कर रहा हूँ मैं। तुम्हें नहीं मालूम है क्या? तुम्हें तो लवर्स की भाषा आती नहीं है। इसमें लिखा है म्यूजिक, ये लिखा है ना? Yes. Thank you.
दोगे ना? मार दो। दो बार सुसाइड करने गए क्योंकि मौत से नहीं डरती। तीन तीन लोगों ने धोखा दिया तुम्हें, इसीलिए आदमियों से भी नहीं डरती हो तुम। हाँ, अब तुम्हें मारकर उस केस को देवदास के सिर पे मर दूंगा। सिर्फ एक मिनट बचा है, यहाँ ज्यादा देर रुकना अच्छा नहीं होगा। चलो क्या हुआ? बस में अपना शंख भूल आई। मिल गया। ओके। तुम्हारे पिताजी। ए देवदास। हेलो ससुर जी, टाइम से 5 मिनट ज्यादा हो गया है। हम लोग जीत गए हैं और तुम हार गए हो। यही बात एक बार जरा बाहर आकर बोल तू। तब से बकबक किए जा रहा था ना कि तू मुझे किसी भी हाल में हरा देगा। अब देख, समय से पहले मैं तेरे पास यहाँ पहुँच गया ना। भानु को इधर भेजो, भेजो नहीं तो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करोगे। आप गलत कर रहे हो, जानते हो? ये लड़की उसके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन भानु हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इस पर पिस्तौल रखे, ठीक है? ये चाकू रख दिए तो। अरे ये कैसी आवाज है? अरे बाप रे, ये तो बहुत चालाक है। तू अपनी माँ की कसम खाकर झूठ बोला, मैं तेरी कसम खाकर सच बोल रहा हूँ। दिव्या को नहीं छोड़ा तो भानु को मार दूंगा। दिव्या को छोड़ दो, छोड़ो। लड़का आपकी तरह नहीं है, जबान का पक्का लग रहा है। लड़की को छोड़ देना चाहिए। चलो। इंडियंस पे भरोसा करके मैंने धोखा खाया, अमेरिकन्स ने मुझे फूल बनाया। दोनों पर से मेरा भरोसा उठ चुका है, इसीलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया है। इतना मारो कि अधमरा हो जाए। ए, कल के बाद तेरा वीजा एक्सपायर होने वाला है, तब तक मेरे आदमी तेरे साथ जी भर के खेलेंगे। उसके बाद परसों मैं जैसे ही पुलिस को तुम्हारे बारे में इन्फॉर्म करूंगा, वो लोग तुरंत भेज देंगे। पुलिस को क्या सर? नहीं रे इडियट, इसे वीजा एक्सपायर होने के बाद अगर एक दिन भी एक्स्ट्रा हो गया तो अमेरिकन गवर्नमेंट तुम्हारे पासपोर्ट पर रेड स्टैंप ठोक देगी। पासपोर्ट पर अगर एक बार भी रेड स्टैंप लग गया तो जिंदगी भर कभी तू अमेरिका नहीं आ पाएगा। इस बीच अगर तुमने कोई उटपटांग हरकत की तो देख लो तुम्हारा एक और पासपोर्ट। September 11, 2002 WTC टावर के 2 दिन पहले उस घटना को पूरी तरह अंजाम देने के लिए तू उस प्लान में पूरी तरह से जुटा हुआ था। आतंकवादियों के साथ तुम्हारे पुराने संबंध है कहकर केस पे केस बनवाऊंगा और तुम्हें हमेशा के लिए फंसा दूंगा मैं। इस धर्मराज से पंगा लेने चला था तू? धर्मराज, प्यार तो सभी लोग करते हैं लेकिन शादी करने की हिम्मत कुछ ही लोग करते हैं। उन कुछ लोगों में से है मेरा देवदास। काट कर रख दूंगा। बाप के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए ये तो भूल चुकी है, इसीलिए मैं भी तुझे बेटी नहीं समझूंगा। और अब कान खोल कर सुन ले तू, तुझे मैं लकी को हैंडओवर करने वाला हूँ और फिर उसके बाद कल ठीक शाम को 5 बजे तुम्हारी उसके साथ सगाई होगी। उसके बाद 8 बजे उसके साथ होगी शादी। शादी कहाँ होगी ये मेरे सिवा और कोई भी नहीं जानता है, और अगर जानता भी है तो वो कभी भी उस जगह पर नहीं पहुँच सकता है। धर्मराज, देवदास को मार दो। अगर तुमने उसे नहीं मारा तो दुनिया के किसी भी कोने में मुझे छुपा दो। शाम के 5 बजे से पहले वो वहाँ पहुँच जाएगा। देखना, 8 बजे से पहले अमेरिका की 50 स्टेट्स के किसी भी एरिया में से हर हाल में इंडिया लेकर जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा प्यार सच्चा नहीं, सच्चा नहीं, सच्चा नहीं। इतना भरोसा है तुम्हें इस पर? देखता हूँ कैसे पहुँचता है वहाँ पर। ए, उठा कर डाल दो इसे कमरे के अंदर। नमस्ते सर। उनको हिंदी नहीं आती। तो हमारा प्यार सच्चा नहीं, सच्चा नहीं, सच्चा नहीं, सच्चा नहीं। तो वो मेरा देवदास नहीं। Yeah!
भानु कहाँ है बता, नहीं तो मैं बता क्या करूंगा। देवदास, पिताजी ने तुम्हें बहुत मारा ना, भानु हमारे शरीर अलग हो सकते हैं लेकिन हमारा दिल एक है, तुम्हारा वादा मेरा वादा है, पहले वादा 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 पूरा करना होगा। क्या रे वादा? तेरी वजह से सब हुआ, तेरा प्यार नहीं चाहिए मुझे, भानु चली जा यहां से। मुझे किसी का प्यार नहीं चाहिए। सभी एयरपोर्ट में जाओ तुम लोग, और वो कहां से फ्लाई करने वाला है पता करो, जाओ।
पेट्रोल खत्म हो गया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। समय बीता जा रहा है और पता नहीं देवदास कहां रह गया। मैम मैम लिफ्ट मैम हेलो। वो इसी एयरपोर्ट में आएगा, इसकी क्या गारंटी है सर? मेरी सिलेंडर पावर का इस्तेमाल करो और पता करो वो किस एयरपोर्ट से जाने वाला है। Interesting love story. Definitely will be at the airport before 7 PM. You can catch Indian flight. The airport is fully occupied by our gangsters. ये सब कौन है सर? किसी को भी अगर मिल गया तो उसे वहीं पर फिनिश कर देगा। अगर हमें मिला तो उसे पासपोर्ट के साथ मैं खत्म कर दूंगा। वो आधे राक्षस। भानु, ये तो प्रेग्नेंट है। पेन स्टार्ट हो गया। We should go to hospital. Please, please stop the car. Please. No problem. Pull over. Pull over. Yeah, please. Bhanu, bolo. Stop. You'll be dead right now. You go right now. You'll be definitely missing your flight. उसको छोड़ दो, please listen to me. You have only one chance. You have to leave right now. मैं प्यार ज़िंदगी का एक हिस्सा है. प्यार ज़िंदगी नहीं हो सकती. हमारे लिए इस नन्ही सी जान को खतरे में मत डालिए. इसे अभी पूरी दुनिया देखनी है. Time हो रहा है, जल्दी आओ. अभी तक नहीं पहुंचा. आके एक घंटा हो गया. किसे? हमें. चुप पागल. सर टाइम हो रहा है, अब हमें चलना चाहिए. लगता है देवदास नहीं आएगा. बिना वजह मैं फंस गया. अमेरिकन्स को मुझे जवाब देना पड़ेगा. अब चलो सर, वहाँ बोर्डिंग क्लोज हो गया है. फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार हो गया. अब क्या आएगा? कैरेक्टर कैरेक्टर बोलकर वो देवदास अब तक मुझसे उड़ा जा रहा था ना. एयरपोर्ट बोलकर उसने मुझे डबल क्रॉस किया है और अब दूसरे रास्ते से निकल गया होगा. कैरेक्टरलेस फेलो. दूसरे को कैरेक्टरलेस बोल रहा, खुद कौन सा कैरेक्टर वाला है? क्या कहा? नहीं चलो घर चलते. क्या हुआ मानो? देवदास किधर है? माँ असल में हुआ क्या है? तुम तो बताओ मुझे, मैं किससे बात करूं? है मैं ये फूल? हेलो देवदास. बोलो. जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसमें हजार सुनामियों की ताकत है. कान खोलकर मेरी बात सुन ले. मेरे प्यार ने मुझे वादे से हटना नहीं सिखाया. वादा टूट गया तो देवदास देवदास नहीं रहेगा. मुझ पे और मेरे प्यार पे भरोसा करके भानु ने एक वादा किया था. भानु ने जो टाइम दिया था उससे आधा घंटा लेट हो गया. बात चाहे आधे घंटे की हो या एक सेकंड की हो, उसी एक सेकंड में भानु को मुझसे प्यार हुआ था और उसी एक सेकंड में भानु तुझसे दूर हो गई. उस दिन टाइम के बाद हमला करके तूने अपना वादा तोड़ दिया. ये तेरा कैरेक्टर है. मैंने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं कर पाया, इसलिए भानु को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ. ये मेरा कैरेक्टर है. धर्मराज, तू यही सोच रहा है ना कि मैं तुम्हारे जाल में फंस गया हूँ और तरह तरह के बहाने बना रहा हूँ? चैलेंज का मतलब यूथ है. यूथ में चैलेंज स्पिरिट ना हो तो सचिन या सानिया मिर्जा नहीं बनेंगे, सब सन्यासी बन जाएंगे और सन्यासियों को प्यार करने का कोई हक नहीं होता. मेरी टेम्परामेंट के आदमी के लिए उसकी हार मौत के समान होती है. मैं प्यार के हाथों मारा गया, जिंदगी भर ये हार गले से लगा कर रखूंगा. ये दर्द तू कभी नहीं समझ पाएगा लक्ष्मी नारायण, लेकिन गलती तुम्हारी नहीं है. तू जहाँ रहता है उस जगह की है. इंडिया में प्यार के लिए ताजमहल बना और अमेरिका में इसके लिए एक छोटा सा स्मारक भी नहीं. तू प्यार कैसे जान सकता है? अब तक भानु के प्यार में डूबा हुआ था, अब उसकी यादों के सागर में तैरूंगा. गुड बाय धर्मराज लक्ष्मी नारायण. इसीलिए मैं देवदास को पसंद करती हूँ. अगर देवदास चाहता तो वही के वही मुझे इंडिया लेकर भाग जाता. अगर वो ऐसा करता तो मेरी नजर में उसमें और आप में कोई फर्क नहीं रहता. अरे हर इंसान के अंदर भगवान होता है और शैतान भी. वक्त के हिसाब से कोई एक बाहर आता है, लेकिन तेरे अंदर मैंने कभी भगवान नहीं देखा. आजकल लोग लड़की की शादी से नहीं डरते, कहीं वो प्यार ना करे इस बात से डरते हैं. आप लोगों के समय में प्यार नहीं था क्या? आपको अपने प्यार की अहमियत तो है, लेकिन बच्चों के प्यार की कोई अहमियत नहीं. लड़की अगर आपके पसंद के लड़के से शादी कर ले तो सुखी ही रहेगी, इसकी क्या गारंटी है? शादी के बाद में अगर उनकी आपस में नहीं बनी तो वो रोज रोज वापस आएगी तो आपका अपमान नहीं होगा? ये मेरा डाउट नहीं है सर, एक बार आप खुद सोचिए. आप प्यार से इतनी नफरत क्यों करते हैं पिताजी? मैंने जब से होश संभाला है तब से ये तेरे मामा है, ये तेरे चाचा है, ये तेरी भाभी है, ये तेरी बुआ है बताया, तो हम उनसे कितनी खुशी खुशी मिलते थे.
पर जब आपको मैंने लवर से मिलाया तो आप इतने नाराज क्यों हो गए? ऐसा कहकर मैं आपके खिलाफ नहीं जा रही हूँ, मैं यही रहूंगी आपकी बेटी बनकर नहीं, देवदास की प्रेमिका बनकर। प्यार मुझे प्यार से मिला और प्यार से ही दूर हो गया। अरे कल तक बड़ी शान से कहती थी मेरा पति ऐसा था, मेरा पति वैसा था, मेरा दामाद बहुत बड़ा सीनेटर बन गया है, लेकिन आज के बाद कहूंगी भानु का प्रेमी देवदास बहुत हिम्मत वाला मर्द है, उसके जैसा कैरेक्टर किसी का नहीं होगा। जब भी कहीं इंडिया की बात होगी तो डंके की चोट पर देवदास की तारीफ करूंगी। भानु तुम्हारे लिए पैदा हुई है, भानु ने जैसा कहा पंच तत्व को साक्षी मानकर तुम्हारी शादी कब की हो चुकी है, और लड़की का असली घर उसकी ससुराल होती है। तू ही जीता, इसमें मेरी कोई महानता नहीं है। अमेरिका आने के लिए फ्रेंड्स ने हेल्प की और यहाँ आकर दिव्या ने हेल्प की, इस सब के बाद भी अगर आपका मन नहीं बदलता तो सब बेकार। हमारा प्यार आपके बदलने से जीता है। एक बोतल दवा दिया तो हृदय परिवर्तन हो गया इनका, जब तुम लोग साथ में थे तो अलग करने की कोशिश कर रहे थे, अब अलग है तो साथ मिलाने की कोशिश कर रहा। अजीब कंफ्यूज आदमी है। सही कहा, देखा ना, मारेगा सोचा तो नहीं मारा।